बसमिल दिस इज़ मुबा महरीन आई विल गो ना टीच यू सब्जेक्ट कम्प्यूटर ग्रेड सेवन और टॉपिक इज़ डिजिटल सिटीजनशिप एंड इन दिस वी आर गोइंग टू कवर पॉसिबल डेंजर्स ऑफ द इंटरनेट एंड रिलेटेड सिक्योरिटी मैर्स हेयर डी एल पी गिवन इस डी एल पी के अंदर मैथडोलॉजी और एक्टिविटीज बताई गई हैं फॉर द ईज ऑफ द टीचर्स आप इन एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं क्लास रूम में ताकि उनकी लर्निंग अच्छे से हो सके और टॉपिक इस कंप्यूटर वायरसेस। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक ब्रेड आप लेके आए हैं बेकरी से ठीक है आपने उसको रख दिया दो दिन के लिए उस पर लग जाती है फंगस जो कि ग्रीन से कलर की होती है तो सेम इसी तरह अगर हम रिजेंपलेंस दें तो कंप्यूटर में भी कुछ वायरसेज आ जाते हैं वो जो ब्रेड पे फंगस लगी है वो आप कंप्यूटर को उसके वायरस से रिलेट करते हैं जो चीज़ आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करती है बेसिकली उसको हम वायरस कह रहे हैं आइए कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन देख लेते हैं कंप्यूटर वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन अमंग इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स आउट देयर वायरसिज एंटर योर कंप्यूटर बाई अटैचिंग अ होस्ट फाइल और अ सिस्टम वंस दे एंटर योर कंप्यूटर दे कैन क्रिएट डैमेज इंस्टेंटली और रिमेन डॉमेंट The goal of viruses is to infect your other computers and network systems. कंप्यूटर में वायरसेस कैसे आते हैं कभी हम इन्फेक्टेड फाइल्स खोल लेते हैं कुछ लिंक्स पे प्रेस कर देते हैं जो कि हमें जो कि अननोन लिंक्स होते हैं हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तभी हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तब भी वायरसेज आ जाते हैं वायरस एट अ टाइम भी अफेक्ट कर जाते हैं कुछ वायरस स्लोली वर्क करते हैं जिसका हमें बहुत लेट पता चलता है चलें आगे हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं वायरसेस की सम डिजिटल थ्रेट्स आर आइडेंटिफाइंग थेफ्ट डाटा ब्रिचेस मालवेयर एंड वायरसेस फिशिंग एंड स्कैम ईमेल्स फेक वेबसाइट्स ऑनलाइन स्कैम्स रोमांस स्कैम्स इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट ये सारी वायरसेस की टाइप्स हैं आजकल डिजिटल का दौर है हम सारे जो हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ई करते हैं वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो हमें थ्रेट्स का भी ख़तरा ज़्यादा है ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास थ्रेट्स की जिसमें से हम कुछ देख लेते हैं जैसे कि फ़ेक वेबसाइट्स आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मैंने कोई फ़ाइल मैंने कोई वेबसाइट देखी है उसके ऊपर जी फलाने फ़लाने कॉन्टेस्ट चल रहे हैं हम अगर उसके अंदर लॉग इन करेंगे इस तरह का वर्क करेंगे तो हमें इतने डॉलर्स में पेमें पेमेंट मिलेगी या कुछ समथिंग इस तरह और फिर जब हम वो आ, एक्टिविटी कर लेते हैं तो उसके बाद कोई विड्रॉ नहीं है कुछ नहीं है कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिंक ही ओपन नहीं होता तो वो आ जाती है फेक वेबसाइट्स के अंदर सेम इसी तरह ऑनलाइन स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है तो अगर आपके पास इन अप्रोप्रियट लिंक्स आएँ तो आपने उसको क्लिक नहीं करना ये सारे जो हैं डिजिटल थ्रेट्स में आते हैं फिशिंग क्या है फिशिंग इज एन अटैक विच प्लेस ऑन ह्यूमन वीकनेस टू मैनिपुलेट अ पर्सन टू गिव देयर पर्सनल इनफॉर्मेशन टू अर टोटल स्ट्रेंजर ऑन अ वेबसाइट्स दैट लुक्स रियल द मोस्ट कॉमन ई मेल फिशिंग अकर्स वेन यू रिसीव अ फेक ई मेल फ़िशिंग भी अटैक की एक टाइप है जिससे क्या होता है कि आपका सारा पर्सनल डाटा कोई और एक्सेस कर रहा होता है ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी ई मेल्स के थ्रू आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल डाटा आपकी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री ये कोई और भी एक्सेस कर रहा होता है तो ये हमारा जो अटैक है ये फिशिंग के अंदर आता है मालवेयर भी वायरसेस की एक टाइप है मालवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं मालवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डिस्क्रिप्शन टू अ कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क लीक प्राइवेट इंफॉर्मेशन गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सिस्टम deprive access to information or which unknowingly interferes with the user's computer security and privacy इसके examples में क्या आता है worms, Trojan viruses, spy virus and many more Malware भी एक software है जो के virus है ये भी क्या करता है ये भी आपकी personal information की access दूसरे को दे देता है इसके अंदर उसने मुझे बताया के unauthorized access to information कभी-कभी आप जब एक account पे login होते हैं तो वो लॉगिन कोई और भी हो सकता है तो वहाँ से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है तो मालवेयर क्या मालवेयर क्या करता है मालवेयर भी आपकी प्राइवेट इन्फॉमेसन को लीक करता है ओके वट आर वम्स वाम्स कैन मॉडिफाई एंड डिलीट फाइल्स एंड दे कैन इवन इंजेक्ट एडिशनल मलेशियस सॉफ्टवेयर ऑन टू आर कंप्यूटर वाम्स क्या होते हैं वाम्स भी एक वायरस की कैटेगरी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाहर किसी के सिस्टम में यू एस बी कोनेक्ट की अब आपको वही यू अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी है आपको उसमें से अपना डाटा निकालना है आपने जब अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट की तो उसके अंदर था वायरस जो कि आपको पता ही नहीं चला और अगर उसके अंदर वाम वायरस था तो वो क्या करेगा आपकी पर्सनल फाइल्स या आपका जो डाटा है वो डिलीट करना शुरू कर देगा आपके आपका सिस्टम में भी इन्फेक्टेड फाइल्स आ जाएंगी समाइम्स अ कंप्यूटर वाम्स पर्पज़ इज ओनली टू मेक कॉपीज ऑफ इट और इस वायरस की एक कैटेगरी और है कि वो आपके फाइल्स की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है एंड ओवर डिप्लीटिंग सिस्टम रिसोर्स सच एज़ हार्ड ड्राइव स्पेस और बैंडविड बाय ओवरलोडिंग लोडिंग अ शेयर नेटवर्क क्या होता है कि जब वॉम वायरस से आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है तो वो फोल्डर्स की कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है या आपका जो डाटा पड़ा हुआ है सिस्टम में उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है और जो आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज है वो फुल होना शुरू हो जाती है तो ये कौन सा वायरस कर रहा है ये वाम वायरस कर रहा है रैनसम वेयर रैनसम वेयर भी वायरस की एक कैटेगरी है चलें हाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वो आपको यूज़र को एक्सेस ही नहीं देता अगर आप किसी अकाउंट में लॉगिन होना चाह रहे हैं आप सही एक्यूरेट पासवर्ड भी डालेंगे आप अपना यूज़र नेम भी वहाँ सही से मेंशन करेंगे बट वो क्या करेगा वो आपको वहाँ लॉगिन ही नहीं होने देगा तो अगर कुछ सिस्टम में आपके रैनसम रैनसम वेयर वायरस है पायस उससे इन्फेक्टेड हैं तो वो आपको अपने ही अकाउंट में लॉगिन नहीं होने देगा हाउ टू प्रवेंट योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस हमने वायरसेस की सारी टाइप्स पढ़ी और हमें पता चला कि कितने टाइप्स के वायरसेज होते हैं और उनसे हमें क्या क्या ख़तरे हैं तो अब क्या करना है अब हमें इन वायरसेस से बचना है तो इसमें हम देखेंगे कि इन वायरसेस से हम कैसे बचें कीप योर कम्प्यूटर एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को और कंप्यूटर को अपडेट रखें उसमें विंडोज़ की ऑप्शन होती है विंडोज़ का, का विंडो का अपना ही विंडो डिफेंडर भी होता है जो वायरस को नहीं आने देता तो अगर आप सिस्टम को अपडेट रखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि वायरस सिस्टम में ना आए सेकंड है यूज़ आ नॉन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट वेन एवर इट इज़ पॉसिबल नॉन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज़ करें जब भी पॉसिबल हो थर्ड ये है थिंक ट्वाइस बिफोर क्लिकिंग लिंक्स और डाउनलोडिंग एनी थिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ई मेल पे व्हाट्सएप पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी अननोन लिंक है जब तक आपको उस लिंक के बारे में नहीं आइडिया या किसी अननोन ने भेजा है आप उस लिंक को मत क्लिक करें उस लिंक को क्लिक करने से हो सकता है कि वो वायरसेस आपके सिस्टम में आ जाएं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए या कुछ भी उसके बाद है बी केयरफुल अबाउट ओपनिंग ई अटैचमेंट और इमेज वायरसेस ई के थ्रू भी आता है तो आपने तो आपने यही कोशिश करनी है अनन इमेज को अननोन अटैचमेंट्स को कभी भी क्लिक मत करें जिस तरह अन लिंक्स आपके लिए हार्मफुल हैं इस तरह अनन ई मेल और अटैचमेंट्स भी हार्मफुल हैं डोंट ट्रस्ट विंडोज दैट आस्क यू टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर अच्छा आजकल क्या होता है अच्छा आजकल क्या होता है जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं हमारे पास कुछ पॉपअप्स ऐड आना शुरू हो जाती हैं जो कि हमारे काम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती तो कोशिश करें उन पॉपअप एड्स को बिल्कुल भी क्लिक ना करें मोस्टली क्या होता है उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की कोई भी बात की गई होती है तो वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि पॉपअप विंडोज़ में जब भी कोई चीज़ आए और वो डाउनलोड सॉफ्टवेयर करने की बात करें तो आपने उसको क्लिक नहीं करना वहाँ से भी बहुत बुरे वायरसेस आ सकते हैं लास्ट क्या है लिमिट योर फाइल शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है आजकल यूएसबी, बी डिस्क हार्ड ड्राइव हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तो कोशिश करें कि फाइल शेयरिंग की जो चीज़ है वो कम अस, कम से कम आप स्टोरेज डिवाइस यूज़ करें और अगर करें भी तो विंडो डिफेंडर के साथ या एंटी वायरसिस के साथ करें समरी की तरफ बढ़ते हैं समरी में क्या है हमने आज क्या पढ़ा हमने डिजिटल थ्रेड्स के बारे में पढ़ा कि हमें डिजिटल थ्रेड्स कैसे कैसे आ सकते हैं किस किस टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर सॉरी किस किस टाइप्स के हमारे पास वायरसेस हैं और वो वायरसेस हमारे सिस्टम को कैसे इन्फेक्ट करते हैं फिर हमने ये पढ़ा कि उन वायरसेस से हमें बचना कैसे है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने लास्ट अभी स्लाइड में डिस्कस की हैं कि उन वायरसेस से हमने बचना कैसे है और हमने कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने ये समरी में सारा कुछ पढ़ा है अब मूव करते हैं असेसमेंट की तरफ वट इज़ वायरस स्टूडेंट आपने ये सारी वीडियो देखी है अब आप मुझे बताएंगे कि वायरस क्या होता है और यह हमारे सिस्टम को कैसे कैसे इन्फेक्ट करता है सेकेंड है हमारे पास वट इज़ मालवेयर डिज़ाइन टू डू मालवेयर क्या होता है और मारवेयर हमारे सिस्टम को कैसे इन्फेक्ट करता है और इससे प्रिवेंट कैसे करना है ये मुझे आप बताएंगे अगर आपको अभी भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो इनशालाटिल देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर